हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर जीके क्लास। टुडे वी विल रीड अ लेसन 13 विच नेम इज़ आवर द स्ट्रक्चर ऑफ अवर टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ मतलब हमारे मुंह का जो बनावट है, दांतों की बनावट। यस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर योर टीथ। यह बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए। मेक श्योर यू ब्रश देम एट लीस्ट ट्विस्ट अ डे। मतलब यह तो पक्की बात ही है कि आपको कम से कम दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए। यस, हेयर इज़ अ ट्रू और फॉल्स क्विज। और यहाँ पर क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिनमें से आपको ट्रू और फॉल्स बतानी है। इफ़ यू थिंक द स्टेटमेंट इज़ अ करेक्ट, अगर आप सोचते हो कि यह स्टेटमेंट करेक्ट है तो आप इसमें ग्रीन कलर फिल करोगे। अदरवाइज यू थिंक इज़ इनकरेक्ट इट इज़, तो देन यू फिल अ रेड कलर। यस, लेट्स रीड इट। फर्स्ट है, एनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। क्या एनेमल सब ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटेंस है? ट्रू और फॉल्स? ट्रू, देन फिल अ ग्रीन कलर। एंड द रूट, सेकंड इज़ अ रूट होल्ड द टीथ इन द प्लेस। रूट टीथ को एक जगह पर टिका के रखता है। ट्रू और फॉल्स? यस ट्रू, फिल अ ग्रीन कलर। एंड थर्ड इज़ द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ दैट द ह्यूमन बींग हैज़ इज़ कॉल्ड अ मिल्क टीथ। जो ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले जो टीथ का सेट होता है उसको क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। ट्रू और फॉल्स? देन ट्रू, यस इट इज़ अ फिल अ ग्रीन कलर। यस, एंड द फोर्थ इज़ अ मोलर एंड प्री मोलर आर यूज टू क्रश एंड ग्रीन द फूड वी ईट। मतलब मोलर और प्री मोलर टीथ होते हैं जो हमें कोई चीज़ को चबाने और ग्राइंड करने के लिए काम में आते हैं। तो दैट इज़ श्योर दैट देन इट इज़ अ ट्रू, फिल द ग्रीन कलर। एंड सिक्स इज़ अ एन अडल्ट ह्यूमन बींग हैज़ अ 40 परमानेंट टीथ। ट्रू और फॉल्स? एन अडल्ट, अडल्ट के क्या परमानेंट टीथ होते हैं जो ये 40 होते हैं? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, परमानेंट तो नहीं होते, टूटते रहते, उनका कोई पता नहीं चलता ना कब टूट जाए, परमानेंट तो नहीं होते। देन इट इज़ अ फॉल्स, तो फिल इसमें क्या करोगे? रेड कलर फिल करोगे, क्योंकि अडल्ट्स के तो 32 टीथ होते हैं, नेचुरली सी बात है ना, तो ये फॉल्स है, इसीलिए इसमें रेड कलर फील करेंगे। नाउ वी विल रीड अ लेसन 14 आवर नेबर्स। यस, लेट्स रीड इट। इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द 6 कंट्रीज। मतलब भारत है जो अपने बॉर्डर को शेयर करता है किन से? 6 राष्ट्रों से, देशों से। पाकिस्तान इन द वेस्ट, पाकिस्तान क्या है? पश्चिम की ओर है। और चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट, जो कि पूर्व में है। ईस्ट मतलब पूर्व में। श्रीलंका द आइलैंड कंट्री, जो कि महाद्वीपीय है, द्वीपीय देश है ना, एक द्वीपीय देश है। सो इज़ इंडिया इज़ द साउथर्न नेबर सेपरेटेड फ्रॉम इट्स बाय द नैरो पार्क स्ट्रेट। नैरो पार्क स्ट्रेट के अकॉर्डिंग ये टाइम में ये सेपरेट हो चुका था। लेट्स लर्न अ लिटल अबाउट आवर नेबरिंग नेशंस। मतलब जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके बारे में हम रीड करते हैं। नाउ वी विल रीड अ नेबर्स, देयर कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट सिटीज़, करेंसीज एंड मेन रिवर। फर्स्टली द फर्स्ट नेबर पाकिस्तान, इट्स कैपिटल इज इस्लामाबाद, इंपॉर्टेंट सिटीज़ लाहौर एंड कराची, करेंसी है पाकिस्तानी रूपी, एंड मेन रिवर इंडस। यस, एंड नेक्स्ट इज़ अ चाइना, चाइनाज का कैपिटल बीजिंग, एंड द इम्पॉर्टेंट सिटी इज़ शंघाई, एंड द करेंसी यन, मेन रिवर यंगटस एंड येलो। एंड द नेक्स्ट इज़ अ नेपाल, नेपाल्स कैपिटल इज़ अ काठमांडू, एंड द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आर काठमांडू, पुखारा एंड विराटनगर। यस, इट्स करेंसी इज़ अ नेपाली रूपी, एंड द मेन रिवर इज़ अ कोसी, गंडकी एंड अ कर्नली। एंड द नेक्स्ट इज़ अ भूटान, भूटान्स कैपिटल इज़ अ थिम्पू, एंड द इम्पॉर्टेंट सिटी थिम्पू पैरो, एंड द करेंसी गल्ट्रम, इसमें एन साइलेंट होगा, गल्ट्रम। यस, मेन रिवर तोरसा, संकोश एंड अ मानस। एंड द नेक्स्ट इज़ अ बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, एंड इम्पॉर्टेंट सिटी चिट्टागोंग। यस, करेंसी बांग्लादेशी टका।
एंड द मेन रिवर इज जमुना, पद्मा एंड मेघना. म्यांमार मेन कैपिटल इज नेपिडिया. इम्पॉर्टेंट सिटी यंगोन एंड द करेंसी क्यात. एंड द मेन रिवर इज इरावडी. एंड श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो. एंड द इम्पॉर्टेंट सिटी कैंडी. एंड द करेंसी श्रीलंका रूपी. एंड द मेन रिवर महावेली. यस, आवर 14th लेसन इज ऑल्सो कम्प्लीट. द लास्ट यू कैन सी इन द बिलो ऑन द पेज. इंडिया सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर. एंड यू नो दैट हमारा भारत देश है जो स्वतंत्रता दिवस मनाता है 15 अगस्त को मनाता है ना 15 अगस्त को, तो हर साल मनाता है. तो इसी तरीके से कौन सा देश कब मनाता है, ये आप लोगों के लिए वर्क है, एक लर्न करने के लिए प्रैक्टिस वर्क. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग द वीडियो. फॉर थैंक्स.